कि उम्र जो है वो सिर्फ एक नंबर होता है। क्या सच्चे प्यार करने वालों के बीच उम्र का फासला कोई अंतर ला सकता है? क्या उम्र के फासले के कारण दो डेढ़ घंटे से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। जाने मन मैं तुझे ही फोन करने वाला था, मेरे पास ही आ रहा था। आज अपनी डांस क्लास में सर, सॉरी सॉरी सर, वो जो है ना वो वैसा रखा हुआ है कि आप हमेशा प्यार तुम्हारे तो आवाज़ ओके कर रहे। सॉरी सर, आप करके बात नहीं, तुम्हारे वो सर का जो यूपी वाला रहता ना, तो मैंने क्या, मैं तुम्हारे पास तेरे पास तेरे और वैसा हूँ। हेलो, आ रहा हूँ तो मैं पार्टों की तरह तुम्हारे लिए वेट कर रही हूँ। जाने मन मैं तुम्हारे पास ही आने वाला। सुनो, आज अपनी डांस क्लास छोड़ो, मेरे साथ कहीं सेलिब्रेट करने चलो। क्यों? मैं बहुत बड़ा केस हो गया, आज के बाद कोई भी मायका ना साल पहले तुम्हें मेरे भाई को बड़े बता दिया सारा तुम बता दो। जी जी सही, कानून के गिरफ्त से तू बच गया। विक्रम कानून से तुम नहीं बच पाए। कहते हैं बीज बबूल का होए तो आम कहां से, ये कहां हमारे रिश्ते में लागू हो, क्योंकि रिश्ते की जमीन पर स्वार्थ का विशाला बीज होते हैं तो उसका फल जहरीला ही मिलता है। नमस्कार, मैं सुनिया चंद्र और आज की इस कहानी में हम देखेंगे कि स्वार्थी मकसद से बनाए गए रिश्तों का हाँ, नमस्कार से लेते हैं। अक्सर लोगों से ये कहते हुए सुना है कि उम्र सिर्फ एक नंबर होता है। क्या प्यार करने वालों के बीच उम्र का फासला कोई अंतर ला सकता है? क्या उम्र के फासले की वजह से दो अलग इंसान अपने अपने नजरिए से समाज को देखते हैं? जहां बड़ी उम्र में एक इंसान के तजुर्बे के कारण वो ठहराव के साथ समाज को देखता है, तो वही दूसरी तरफ कम उम्र वाला इंसान जोश में आकर रिएक्ट कर सकता है। तो क्या जोश, अनुभव और मानसिकता का यह अंतर एक सच्चे प्यार की नींव बन सकता है? क्वेश्चन क्वेश्चन करते जा रही है। उस पॉलिसी के बारे में सारी जानकारियां, शर्तें और पेपर्स आप जरूर पढ़ें। ज्यादातर बीमा कंपनी अपने बीमा धारकों को समय समय पर उस पॉलिसी से संबंधित जानकारी भेजती रहती है, उन सूचनाओं पर आप जरूर ध्यान दें। ओके।